जगात सर्वदूर प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थान येथील माउंट आबू प्रजापती ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पत्रकार महासंमेलनात देशातील 500 पत्रकारांनी सहभाग घेतला। या ठिकाणी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वतीने विविध कार्याची माहिती संकलित करण्यात आली। सर्व पत्रकारांना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या विषयावर देशातील वरिष्ठ संपादक पत्रकारांनी येथे मार्गदर्शन केले। आमचे परतवाडा प्रतिनिधी नितेश किल्लेदार यांनी सुद्धा सहभाग घेतला। देशातील शेकडो पत्रकारांचे राष्ट्रीय महासंमेलन राजस्थान येथील माउंट आबू येथील प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय येथे 23 मे ते 27 मे पर्यंत आयोजित करण्यात आले आहे। या राष्ट्रीय संमेलनामध्ये मीडिया नवी दृष्टिमूल्य आणि मीडियाची भूमिका हा विषय घेऊन ब्रह्मकुमारीज या संस्थेने पत्रकारांचे राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन केलेत। यामध्ये संपूर्ण भारतामधून 500 पेक्षा जास्त पत्रकारांनी आपली उपस्थिती दर्शविली। पत्रकारांकरिता निवास भोजन व्यवस्था आयोजकांच्या वतीने उत्तमरित्या करण्यात आली। या ठिकाणी पत्रकारांकरिता विशेष प्रशिक्षण व आजची पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अशा सर्व विषयांवर देशातील वरिष्ठ संपादक पत्रकारांनी येथे मार्गदर्शन केलेत। आप जो परमपिता ब्रह्मकुमारीज में पत्रकारों का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और उसकी शुरुआत है कल, इनॉग्रेशन फंक्शन है, क्या कहूँगी? नमस्कार, मेरा नाम कुसुम मकवाना है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। काफ़ी सालों से यहाँ आ रही हूँ। बहुत सारे भारत के पूरे मीडियाकर्मी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के डेलीगेट्स भी हैं जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ। सालों से यहाँ आने का एक्सपीरियंस ही रहा है कि बहुत ही बढ़िया अनुभव है। हमारे यहाँ जो भी सोसाइटी में आजकल बन रहा है, हम बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं, ज़्यादातर यू नो खून एंग्रीनेस या फिर बलात्कार की घटनाएँ आजकल लोगों में एक कहना सहनशीलता ख़त्म होने जा रही है, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आने से एक आध्यात्मिक अनुभव के साथ एक अनुभव यह भी रहता है कि हम अपने एंगर मैनेजमेंट को टैकल कर सकते हैं, कैसे दुख से मुक्ति पा सकते हैं, हमारे हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ के भाइयों बहनों के चेहरे पर बहुत ही बड़ा एक तेज रहता है, शायद उनकी इनर हैप्पीनेस से ही वही आता है। और यहाँ आने का अनुभव बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लोग से हमारी मित्रता बढ़ती है, हमारा एक पब्लिक रिलेशन भी यू नो जनसंपर्क भी सर्जित होता है। तो मैं आप सभी को निवेदन करूँगी, एक बार ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो अवश्य ब्रह्मा कुमारी की मुलाकात ले। दैट विल बी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्मा कुमारी जी ने अभी अभी जो मेडिटेशन लिया है वो लाइफ में बहुत बहुत अच्छा है और इससे मनुष्य जीवन को बहुत बहुत प्रभावशाली दीदी ने बताया। ऐसे ही मीडिया वाले ने सोचकर काम करना चाहिए जिससे सोशल वेलफेयर जो है बढ़िया बढ़िया होता जाता रहेगा। और कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश जी पाटिल, मैं टीचर हूँ बालमोह विद्यालय चोपड़ा में। तो मैं पहली बार यहाँ विराजमान हुआ हूँ और मीडिया वाले के मेरे बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। तुम्हाला असं वाटतं की परिवर्तन हा बड़े म्हणजे व्हायला पाहिजे, ज्या प्रकारे समाजामध्ये म्हणजे बलात्कार, डकैती आपल्याला दररोज बघायला मिळते, चोरीच्या घटना, परंतु समाजामध्ये पत्रकारांचा आणि मीडियाचा हा समाजाला फायदा होणार त्यासाठी काय करायला पाहिजे असं वाटतं आपल्याला? तर यासाठी पत्रकारांनी सुद्धा आपलं जीवन समर्पित करायला पाहिजे आणि ज्या भावना आहेत ते चांगल्या प्रकारे मांडायला पाहिजे आणि जेणेकरून समाज आज जो वाईट वृत्तीपुढे चालत जात आहे तर वाईट वृत्ती ही कमी व्हायला पाहिजे आणि तो तुम्ही भला करेंगे तो भला होणार। तो यही वृत्ती से आज का समाज का परिवर्तन आवश्यक है और मीडियावाल्याने अपना काम जो किया है राजयोग से किया तो बहुत शांति से होगा और इससे मनुष्य जीवन को बहुत बहुत शांति मिलेगी। इससे कोई महाराष्ट्रामधून इथं मराठमोळी पत्रकार इथे सामील झालेले आहे आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहे की समाजामध्ये एक परिवर्तन व्हायला हवं आणि परिवर्तन हा भिडेचा चक्र आहे आणि या समाजामध्ये मीडिया आणि मीडियासाठी जे आयोजन करत आहे ब्रह्मकुमारीच्या संस्थेचं, सर्व 5 दिवस इथं आयोजन केलं त्यासाठी सर्वांनी आभार व्यक्त केलं। मी कॅमेरा पर्सन सर्वांसोबत नितेश किल्लेदार, सिटीज। सर्व सहभागी पत्रकारांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सुद्धा आयोजन करण्यात आले। परतवाडा येथील सिटी न्यूज प्रतिनिधी नितेश किल्लेदार यांनी सुद्धा राष्ट्रीय पत्रकार संमेलनात सहभाग घेतला। सम्मेलन का आयोजन पत्रकारों के लिए यहाँ पर किया जाता है, कितने वर्षों से यह आयोजन हो रहा है और क्या इसका जो समाज में जो है क्या इसका लाभ मिलेगा आपको लगता है?
देखो जो मीडिया है, ये पत्रकार है या और भी जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी मीडिया पर्सन हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, साइबर मीडिया हो, वो है आजकल तो है मीडिया का युग। लोग कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और मैं कहूँ कि मीडिया सर्वव्यापी है, इसमें कि अतिशयोक्ति नहीं। तो मीडिया प्रचार भी करता है, प्रसार भी करता है, शिक्षा भी देता है, इन्फॉर्मेशन भी देता है, कई प्रकार की वो कार्य करता है। इसीलिए मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा उस पर जिम्मेवारी है कि समाज को वो ठीक प्रकार से इन्फॉर्मेशन भी दे और उसको जो सुधार होने चाहिए वो भी बताए। तो मीडिया ही कार्य कर सकता है। देखा जाए आज तो मीडिया चांद तक पहुंच गया है। मीडिया तो इस सर्वव्यापी है, सब जगह मीडिया ही मीडिया, उसके बगैर दुनिया अब चल नहीं सकती। मीडिया ने तो दुनिया को एक विलेज बहुत छोटा बना दिया, पहले से बहुत लंबी चौड़ी मीडिया ने बिल्कुल एक छोटा कर दिया है, स्मॉल विलेज बना दिया है। तो मीडिया का बहुत महत्व है। पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रजापिता विश्व पर परमपिता ब्रह्म कुमारी, यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का माउंट आबू का सेंटर है, जहां पर हर साल मई माह में पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में 500 से ज़्यादा पत्रकार संपूर्ण भारत से पधारे हैं। भारत के विविध राज्यों से, विविध जिले से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है। और यहाँ पर जिस प्रकार से सेशन होने वाले हैं, वे अलग अलग मीडिया दृष्टि और मीडिया का मूल्य और सामाजिक परिवर्तन, नए दृष्टि से मीडिया के लिए मीडिया का महत्व समाज में क्या होना चाहिए, समाज परिवर्तन में मीडिया की क्या भूमिका रहेगी, इस पर यह सेशन की शुरुआत होने जाने वाली है। सुबह 10 बजे है। अभी हाल ही में शिवानी दीदी का यहाँ पर मेडिटेशन का बहुत बड़ा सेशन हुआ। 500 पत्रकार सुबह 8 बजे यहाँ सम्मिलित हुए और दोपहर 10:30 बजे इस राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। लगातार 5 दिन तक के नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहाँ पर पत्रकारों को विविध यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आज का जो मीडिया है या मीडिया का समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, समाज को किस प्रकार से इसका लाभ हो सकता है, जिस प्रकार से परमपिता ब्रह्म कुमारी के ज्ञान सरोवर में यह कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित ही जन्नत में है हम ज्ञान सरोवर का। आप यहाँ वातावरण देख रहे होंगे, पत्रकार लोग जो है वो खुद अभी जा रहे हैं। जी राजस्थान से अखबार में पहुंच गया। जी मैं जी राजस्थान में नॉर्थ ईस्ट टीवी में काम करता हूँ। क्या लगता है क्या महत्व है इस पत्रकारों के सम्मेलन में, क्या महत्व रहे? पत्रकार सम्मेलन में ज्ञान सरोवर में आज जो हमें सीखने को मिला है और जो सीखने को मिल रहा है कि एक किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर अपन परिवर्तन कर सकते हैं, मन आध्यात्मिक शक्ति से हम किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं ज्ञान को, इस माउंट आबू में ये ज्ञान सरोवर में हमें ये सीखने को मिलेगा। निश्चित रूप से मन का परिवर्तन और आत्मा का परिवर्तन होना जरूरी है। आत्मा जो है ये शरीर का हिस्सा होती है और यह शरीर जो है वो अच्छे कार्यों के लिए लगना चाहिए और अच्छे काम हम हमारे माध्यम से होना चाहिए। हमारे साथ में और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार पंजाब से शायद जानेंगे, क्या कहेंगे, क्या नाम है? हमारा नाम जोगिंदर सिंह है, हम पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से हैं। हम यहाँ मीडिया सम्मेलन में आए हैं, ये हमारे को बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ अगर पर 500 से ज़्यादा पत्रकार गुजारे हुए, सभी को बखरे बखरे अपने हाव भाव रखने का सारा अनुभव होना चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है जो मीडिया की ऊपर हो रही है। निश्चित रूप से पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। क्या आपका नाम है? दिवेश तरार मेरा नाम है, मैं लखनऊ से हूँ, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ। आज के भौतिकवाद में और बाजारवाद में जो परिस्थितियों को परिवर्तित किया है, जो हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जिप्स की वजह से न्यू सोशल ऑर्डर बना है, इस न्यू सोशल ऑर्डर में जर्नलिज्म की का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो समाज में नफरत हो रही है,
सांप्रदायिकता, जातिवाद और जो कलुषित राजनीति, विषम परिस्थितियां हैं, इन सब को ओवरकम करने के लिए मीडिया अपना रोल क्या प्ले करे, ये यहां सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। इस सत्र में ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है किसी के भी जीवन में, आध्यात्मिक तौर पर भी, और उसका जो पेशेवर, जो प्रोफेशनल है, जो जर्नलिज्म का उसका प्रोफेशन है, उसके तौर पर भी ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये हम रियलाइज करते हैं इस सेशन में, जितना इन दो दिनों में हमने देखा है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या परिवर्तन वास्तव में इससे होता है, कितना प्रासंगिक ये फंक्शन हमारे लिए रहता है, इसी को हमें देखेंगे। क्या आपको लगता है प्रिंट मीडिया का भविष्य जो है खतरे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से प्रिंट मीडिया आगे भविष्य नहीं है? बिल्कुल नहीं है। विश्वसनीयता जो है वो आज भी प्रिंट मीडिया की है, और अंतोगत्वा उसी की विश्वसनीयता रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये क्षणिक है, अगले 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं किया तो निश्चित रूप से इसका जो है पतन होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। और ये प्रभावी बहुत ज़्यादा है, ये त्वरित असर करता है। प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता अधिक है, और अंतोगत्वा जो आज भी समाज के लोग हैं वो प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसकी खबर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्रभाव जरूरी है। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया के ऊपर आज भी जो विश्वास है वो विश्वास लोगों का है, विश्वसनीयता प्रिंट मीडिया ने कायम रखी है, या जो सोशल मीडिया है इसका जो विश्वास है क्षणिक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विश्वास क्षणिक है, आने वाले 10 वर्षों में यह मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, अगर इन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं लाया तो निश्चित रूप से उनका भविष्य भी खतरे में हो सकता है। प्रिंट मीडिया जो है वो बंद नहीं हो सकता है, समाज के अंदर जो प्रिंट मीडिया के ऊपर जो विश्वास रखा जाता है वो आज भी कायम है। मैम कैमरा पर्सन शर्वरी के साथ नीतीश किल्लेदार, सिटी न्यूज, माउंट आबू, ज्ञान सरोवर। हम खड़े हैं ज्ञान सरोवर में, यह ब्रह्म कुमारीज का वो सेंटर है जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का मीडिया का सम्मेलन होने जा रहा है, और यहाँ पर पत्रकारों ने अभी हाल ही में शिवानी दीदी का सेशन जो है वो अटेंड किया है। पत्रकारों का सामाजिक क्षेत्र में जो है, पत्रकारों का मूल्य क्या है, पत्रकारिता का मूल्य क्या है, और समाज में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है, क्या कहेंगे आप शिवानी दीदी का सेशन आप इसमें, और ब्रह्म कुमारी के ज्ञान सरोवर में यह जो आयोजन होता है इसका मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों को और पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को क्या इसका प्रभाव होगा? ज्ञान सरोवर में जो आयोजित किया गया है ये माउंट आबू में कार्यक्रम, ब्रह्म कुमारी का जो मीडिया विंग के लिए स्पेशली कार्यक्रम किया गया है, ये वास्तव में बहुत ही एक प्रभावशाली कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो मीडियाकर्मियों का जो दिन भर की दिनचर्या होती है वो जिस तरह से की होती है कि उसमें कोई खाने का समय नहीं होता, कोई उठने का समय नहीं होता, उसको एक निर्धारित मूल्यों के साथ में, निर्धारित समय के साथ में बराबर करने के लिए जो हमारे को यहाँ पे सेशन दिया गया है, आज ब्रह्म कुमारी जी ने एक मेडिटेशन के रूप में जो हमें एक अच्छे तरीके से संकल्प को और बुद्धि को तालमेल बिठाने का और उनको प्रॉपर रूप में अपने जीवन में दिनचर्या में लाने का, ताकि वो हमारे संस्कार बने, और संस्कार बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में उसको हमारा लाभ मिल पाएगा प्रॉपर तरीके से। इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू।